एक ऐसी सोसाइटी जो बैरिया टाउन की सराउंडिंग में और जहां पे आप अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं सिर्फ 15,000 की आसान किस्त से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तलहा बिन खालिद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं मार्केट के न्यू ट्रेंड्स, मार्केट के न्यू सेंटीमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक विक्टोरिया सिटी है। विक्टोरिया सिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही कम अरसे में विक्टोरिया सिटी ने अपना एक नाम बनाया है। इसमें बहुत सी रीज़न में से एक रीज़न विक्टोरिया सिटी के डेवलपर हैं, जो कि एक बहुत ही नामी ग्रामी डेवलपर हैं, और इनके बहुत से प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किए हैं। इसी बेस पर देखा जाए तो विक्टोरिया सिटी का भी ऐसा लग रहा है कि शायद हमें इसका पेमेंट प्लान पूरा होने से पहले ही लोगों को, इन्वेस्टर्स को और जो लोग इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं उनको ऑन टाइम डिलीवरी या बिफोर टाइम डिलीवरी भी दी जा सकती है। विक्टोरिया सिटी की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो विक्टोरिया सिटी बैरिया टाउन से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पे, मेन कनाल रोड पे, और इसको एक अप्रोच मेन मुल्तान रोड से भी है, दूसरी अप्रोच मेन रायबन रोड से, तीसरी मांगा मंडी से, और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट से भी ये कुछ ही देर के फासले पे वाक़े है। अभी मैं बात करूं विक्टोरिया सिटी के अंदर कटिंग्स की तो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की कटिंग्स अवेलेबल हैं। कमर्शियल में बात करूं तो कमर्शियल में हमारे पास यहां पे 5 मरला अवेलेबल है। रेजिडेंशियल की तरफ चलने से पहले कमर्शियल के लिए मैं यहां पे एक छोटी सी बात कहूंगा कि अभी इन कमर्शियल्स के बाद इनका कोई अभी नज़दीक तरीन कोई इरादा नहीं है कि दोबारा ये कोई फर्दर कमर्शियल्स में डील लॉन्च करें। तो अभी यहां पे जो कमर्शियल के जो रेट्स हैं, हमें ये समझ आता है, ऐसा हमें लगता है कि आप अगर अभी यहाँ पे कोई चीज़ ग्रैब करते हैं तो कुछ अरसे बाद, लाइक जब सप्लाई एंड डिमांड बनेगी, तो कमर्शियल पे काफ़ी अच्छा ऑन जा सकता है। रेजिडेंशियल की मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल में भी जिस तरह और सोसाइटीज़ सराउंडिंग में अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनकी नस्बत का ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देने जा रहे हैं, तो हमें उस सिनेरियो में भी ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर सून आप अच्छा ऑन जो सा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिसीव कर सकते हैं। विक्टोरिया सिटी की जो टाइमिंग है, जिस टाइम में ये लॉन्च हो रही है, आप लोगों को आइडिया होगा जो शाकम चौक है, जो शाकम फ्लाईओवर है, वो तकमील के आखिरी मराहल में है। तो डेफिनेटली जैसे कि इसकी सराउंडिंग में बैरिया टाउन है, न्यू लाहौर सिटी है और सोसाइटीज़ हैं, इनके रेट्स में एक अच्छा ऑलरेडी हाइप आ चुका है, और इवन इनकी इसकी कम्प्लीशन पे, इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन पे यहाँ पे तो मज़ीद हाइप भी आएगा, मज़ीद प्राइसेस में अच्छा आपको चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो साफ जाहिर है विक्टोरिया सिटी के रेट्स में भी ये चीज़ फ़र्क आएगी। बैरिया टाउन में जब एंटर होते हैं, बैरिया टाउन से आगे कैनाल रोड जो सी है वो सिंगल थी, अभी एक्सपेक्टेड है कि वो जल्द जो सी है वो डबल हो जाएगी, तो विक्टोरिया सिटी के रेट्स में इस चीज़ से भी काफ़ी फ़र्क आएगा। रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेजिडेंशियल में अगर आप विक्टोरिया सिटी में आएँ तो बेहतर है कि आप अपना प्लान जो है उसको कंप्लीट कीजिए, सोसाइटी को डिलीवर करने दीजिए, और आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट पे इसको प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। या अगर आप वहाँ पे घर भी बनाना चाह रहे हैं तो अपने जहन में आपको 2 से 3 साल का पेमेंट प्लान जो सा है वो जहन में लेके आए। कमर्शियल की बात करूँ तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कमर्शियल के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे शाकाम का जिक्र किया, इसी तरीके से मेन कैनाल रोड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि लाइक डबल हो जाए बहरिया से आगे, और इसके साथ साथ लिमिटेड इन्वेंट्री है और इनका नज़दीक तरीन मुस्तकबिल में कोई प्लान नहीं है फर्दर कमर्शियल्स यहाँ पे लॉन्च करने का। तो डेफिनेटली तब में डिमांड बनेगी, सप्लाई कम होगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसमें एक अच्छा, यानी कि जो सा है आपको ऑन देखने को मिलेगा। बस अभी के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे रابطے में रहते हैं, और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल जो सा है इसको देखते रहें। दिस इज़ तलहा बिन खालिद साइनिंग ऑफ। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।